नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, एसएसआईटू में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, इस वक्त मैं मानसलामी जो बहुत पुराना पहले बस स्टैंड रहा करता था, इसके जगह पर कम्युनिटी हॉल सेंटर का जब बिल्डिंग जब बनी थी 6 फ्लोर का, तमाम तरह का सुविधाएं हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, चाहे वो पार्किंग हो, चाहे ठहरने का। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, ओपी शाह सामुदायिक भवन का आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने निरीक्षण करने आए हैं। पटना सिटी वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, हर्ष की बात होनी चाहिए। समाज सेवी थे, हम लोग के बीच भले ही नहीं रहे, लेकिन ये जो बिल्डिंग जो देख रहे हैं बहुत बड़े, वो उनके नाम से सामुदायिक भवन, यानी कि ओपी शाह सामुदायिक भवन नाम से यहाँ पर दिखलाया गया है। तो ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आप भी ये काम करते होंगे कि कहीं ज़्यादा दुख है तो डॉक्टर से दिखाने गए और ठीक हो गया तो दूसरे व्यक्ति को आप कहते हैं कि जान और फलना डॉक्टर बहुत बढ़िया हो, ठीक हो। क्या है, क्या दिक्कत? कुछ नहीं है, ये डायग्नोस्टिक है। साहब ने एक बात सोचा था, अपने से लेकर कार लेकर के और होगा एक कहा चढ़ रहे हो? चले लिफ्ट चलो सीढ़ी से। सर भवन में है, लाख प्रयास किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ जानकारियां लेने के लिए, लेकिन वो खुद निरीक्षण करके आए और खुद चले गए। उनके साथ में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी थे। यहाँ के स्थानीय निवर्तमान पार्षद विक्की मौर्य जी से हम पूछते हैं। विक्की मौर्य जी, ओपी शाह सामुदायिक भवन का निर्माण? बिल्कुल, और ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे पटना सिटी के लिए और ख़ास करके वार्ड 69 के लिए। बहुत ही सुंदर है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मुझे भी मौका मिला इस बिल्डिंग का भ्रमण करने के लिए, और बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर है। और आने वाले समय में हमको लगता है गुरुपर्व में जो है इसके अंदर सिख श्रद्धालुओं के रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। काफ़ी हॉल्स हैं, काफ़ी बहुत ही सुंदर ये बना है। इस कार्य के लिए मैं पूरे बिहार सरकार, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी सौगात पटना सिटी वासियों के लिए दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद थे निवर्तमान पार्षद विक्की मौर्य ने, एक बहुत सटीक का बात बताया है, बधाई के पात्र हैं नीतीश कुमार ने। लेकिन हाँ, सबसे पहले जब जानकारियाँ मिली थी कम्युनिटी हॉल की, और इसमें लगभग ये 1685 शायद बेड है, यहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएँ हैं, 6 फ्लोर तक पार्किंग की सुविधा है। SSIT आप देख रहे हैं, ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।